महावीर जी उन दिनों आदिवासी क्षेत्र में विहार कर रहे थे। वहाँ पशु बहुत कम थे, जो थे वे दुधारू नहीं थे। वहाँ दूध और अन्य नाम मात्र के लिए होता था। वहाँ के लोग प्रायः ठंडा भात खाते थे, वह भात नमकहीन होता था। दोपहर के भोजन में वे रूखे चावल और मांस खाते थे। वे लोग बहुत क्रोधी थे, बात बात पर वे झगड़ा व मारपीट करने लगते थे। गंदी गंदी गालियां देने के लिए तो उन्हें किसी बहाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। वह पर्वतीय क्षेत्र था, इसलिए वहां गर्मी, सर्दी व वर्षा तीनों ही बहुत तीव्र होती थी। एक बार भगवान महावीर एक गांव में जा रहे थे। वे प्रायः किसी गांव में आहार पाने के लिए ही जाया करते थे। ग्रामवासियों ने उन्हें देखकर कहा, ओ नंगे, तू किस लिए हमारे गांव में आया है? चुपचाप वापस चला जा। महावीर चुपचाप वापस जाने के लिए मुड़ गए। इस पर ग्रामवासी उन पर जोर जोर से हंसने लगे। महावीर जी को तंग करने के लिए उन्होंने कई खतरनाक कुत्ते को उन पर छोड़ दिया। कुत्ते भगवान महावीर पर झपटे तथा उन्हें जगह जगह पर काट लिया। आदिवासी लोग प्रसन्नता से झूमने लगे, परंतु महावीर जी पर इसका तनिक भी प्रभाव ना पड़ा, न ही उसके मुख पर क्रोध या रोष का कोई लक्षण उभरा। महावीर जी को सामान्य देखकर आदिवासियों के आश्चर्य का कोई सीमा न रहा, साथ ही उन्हें अपनी पराजय का भी अनुभव हुआ। वे भगवान पर धूल फेंकने लगे, हड्डियां फेंक फेंक कर मारने लगे। इस पर भी भगवान महावीर शांत रहे तो उन्होंने भालों से आक्रमण करना शुरू कर दिया। भगवान महावीर ने इस पर भी अनूठी सहन शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने शांति व करुणा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। इस पर उन लोगों को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। वे यह कहकर लौट गए, यदि यह आदमी होता तो इसे क्रोध जरूर आता। इसी प्रकार कुछ अन्य घटनाएं भी महावीर जी के साथ घटी। किसी ने इन पर थूक फेंका तो किसी ने इन पर कीचड़ फेंका, किसी ने इन्हें मारा तो किसी ने इनका मजाक उड़ाया, किसी ने इन्हें गालियां दी तो किसी ने इन्हें अपमानित किया। परंतु महावीर जी ने उन सभी घटनाओं को शांतिपूर्वक सहन किया। उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया तथा बुरे कार्य करने वाले को सदा सदा के लिए क्षमा कर दिया।